बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज तारीख है 1 मई सन 2024। तो आज लेबर डे भी है, मज़दूर डे। तो बस यही है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मज़दूर का पसीना खुश होने से पहले उसकी जो उजरत है उसको अदा कर दो। तो हमें भी चाहिए हम उनका ख़ास ख्याल रखा करें। जो भी लेबर होती है, तरह तरह किसी की वालिद, किसी की वालदा, किसी के हमशीरा, किसी के भाई, क्या क्या रिश्ते हैं जो लोग अपने घर वालों की मतलब उनके परवरिश करने के लिए बाहर निकले होते हैं, और तरह तरह माशरे की उनको लोगों से सुनने भी पड़ती है। तो यही है कि तो आज ये है कि मैंने आज इंतखाब किया मली रेलवे स्टेशन का। मैंने कहा आज लेबर डे है तो चलें थोड़ी रेल फैनिंग भी हो जाए, तो ये लेबर डे स्पेशल व्लॉग बन जाए। और देखें अभी 6 डाउन आने वाली है, उसके लिए सिग्नल ग्रीन हो चुका है मली रेलवे स्टेशन पर, तो उसको हम पहले कैप्चर करते हैं। ये सामने से आ चुकी है आज की हमारी 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस GO40 9:20 के साथ। आज की हमारी 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस GO40 9:20 मिनट पर था, और मली रेलवे स्टेशन से ये गुजर चुकी है। तो आज की हमारी 9 अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस पहुंच गई है मली रेलवे स्टेशन। मिसल्स की आवाज़ आई है। तो डेंजर विसल्स दिए ड्राइवर साहब ने, पीछे खड़ी हो गई है। तो पता नहीं सिग्नल का कोई इशू है या क्या है, हमारे यहाँ डिवीज़न में सिग्नल के इशू तो चलते ही रहते हैं। तो मली रेलवे स्टेशन में तो सिग्नल ग्रीन है इसके लिए, पर अब पीछे का शायद सिग्नल ख़राब है या क्या वजह बनी है कि वहाँ खड़ी हो गई है। तो फिर देखें हम कब तक आती है यहाँ पर। और ये आ रही है शायद, लाइट स्केच हो रही है मेरे ख्याल से। नहीं, वो इसकी शायद लाइट नहीं थी। तो देखें कब तक आती है फिर वो यहाँ। वो विसन्स दिए जा रहे हैं और बन यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं नज़र आ रहा कि स्टेशन से कोई बंदा गया हो। तीसरी दफ़ा उन्होंने विसन्स दिए हैं, जो एक कोड होता है इनका, लोको फेलियर जब होता है उसके लिए भी एक विसल कोड होता है, और बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। जैसे कि अब मुझे तो खैर एक ही कोड याद है कि डिपार्चर विसल जब ट्रेन देती है, वन शॉर्ट, वन लॉन्ग और फिर एक शॉर्ट विसल के साथ ट्रेन रवाना होती है स्टेशन से। बाकी और भी मुख्तलिफ कोड्स हैं, कोड्स हैं ट्रेन्स के विसल्स के। तो अब देखें क्या रिस्पांस होता है। तीसरी दफ़ा तो मैंने सुना है कि उन्होंने दिए विसल। तो अब देखें कैसे उनको ये कराते। हालाँकि मेन जो स्टेशन का सिग्नल है वो तो ग्रीन है। इनकी मुख्तलिफ होती हैं, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, होम सिग्नल वगैरह। और ये आ गई सामने से, लाइट्स शो हो रही हैं। वाइट लाइट्स हैं। तो ZCUP 3352 होगा रेट पर आई थिंक। देखते हैं वही लीड पर है या कोई और लोकोमोटिव है लीड पर। और ये आप क्लियर दे रहे हैं उनको फ्लैग से।
कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहिए ताकि ट्रेन का टाइम ज़ाया ना हो। अब 5-10 मिनट तो ट्रेन के यहीं पे ज़ाया हो गए, तो इस मामले में रेलवे को सोचना चाहिए कि ट्रेन का टाइम ज़ाया ना हो। ट्रैक तो खैर एक वजह है ही ट्रेन के लेट होने का, कि स्पीड ये है कि नहीं होती, कहीं कॉशन लग जाता है, कहीं ट्रेन आगे होती हैं, पर एक ये भी वजह है कि कहीं PLC लग चल रही हो तो उधर जो ऐसे टाइम वो किया जाता है। तो यही है कि वायरलेस के ज़रिए, आजकल तो जदीद दौर है, तो वायरलेस के ज़रिए आप ट्रेन को क्लियर दे सकते हैं। मेरे ख्याल से रेलवे के SOP में वही होगा कि PLC ट्रेन कलेक्ट करेगी और ऐसे होगा वैसे होगा। एक्सेलरेशन करना शुरू कर दी है, हमारी 9 अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस ZUP 3063 रूट पर था और मली रेलवे स्टेशन से ये गुजर चुकी है और ज़बरदस्त चलिंग की ZUP 3062 में। तो आगे सामने से 41 अप कराक्रम एक्सप्रेस GU40 के साथ वाला ट्रेन खड़ी हो चुकी है, PLC कलेक्ट करेंगे यहाँ से मेरे ख्याल से। चलना शुरू कर दिया 41 ने, लाइट्स ऑफ की।
तो बिल्कुल PLC ही चल रही है। सिफर 1 लीटर पर है। आज की हमारी 41 अप कराकोरम एक्सप्रेस GU40 नवे सिफर 1 लीटर पर था, मनी रेलवे स्टेशन से गुजर चुकी है। डाउन लाइट लोकोमोटिव HGMU 30R 8219। अरे हट जाओ भाइयों, क्या कर रहे हो? ट्रेन उधर से भी आ गई है, हट जाओ बस। वो 33 अपनी ZCU 30 के साथ आ चुकी है, तो डाउन लाइट लोकोमोटिव HGMU 30R 8219 मली रेलवे स्टेशन से गुजर रहा है। और ये सामने 33 अभी आ चुकी है। एक्सेलरेशन करना शुरू कर दी है। आज की हमारी 33 अप पार्क बिजनेस एक्सप्रेस ZCU 30 63-27 लीट पर था और मली रेलवे स्टेशन से गुजर चुकी है। तो ये रही आज की हमारी 149 अप मेहरान एक्सप्रेस
एचजीएम 30 आर लीड पर है। आज की हमारी 149 अब मैनान एक्सप्रेस एचजीएम 30 आर 82:15 गेट पर था और इसने तो पीएलसी कलेक्ट नहीं की और दरमियान ही अच्छी रफ्तार में यहाँ से गुजर गई। अब में एक रिलीफ ट्रेन जा रही है के रिलीफ ट्रेन इस टाइम जा रही है। जीएमयू 30SR 47:05 फीट पर था और मली रेलवे स्टेशन से गुजर चुकी है। तो आज की हमारी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस भी जियो 40 के साथ आ चुकी है। हमारी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस GU 49 14 लीट पर था और मली रेलवे स्टेशन से गुजर चुकी है। तो आज की हमारी 17 अमिल्लत एक्सप्रेस HGMU 30R के साथ पहुंच रही है मली रेलवे स्टेशन। रफ्तार से गुजरी है बनस्बत दूसरी ट्रेन के। 17 अमिल्लत एक्सप्रेस HGMU 30R 82:20 मिनट पर था और मली रेलवे स्टेशन से गुजर चुकी है। अप डाउन दोनों सिग्नल ग्रीन है पर ये अप में 7 अप आ चुकी है पहले GU 40 के साथ। ये विसल सुनाई दिए हैं। ये आ गई है सामने से। तो आज के हमारे 15 अप कराची एक्सप्रेस भी GU 40 के साथ आ चुकी है।
तेज़ी रफ्तार में गुजरी है। 15 ऑफ कराची एक्सप्रेस GU4930 के साथ मनी रेलवे स्टेशन। तो ये कुछ रेल फैन की, ये मेरे कज़न है, हाथ हिला दे भाई। ये भी रेल फैन है, इनका भी चैनल है। किस नाम से चैनल है आपका? फ़ारूक अली सिद्दीकी के नाम से। फ़ारूक अली सिद्दीकी के नाम से इनका भी चैनल है, तो इनका भी चैनल सब्सक्राइब करें। तो ये कुछ व्लॉग था आज का, यहाँ पे हमने रेल फैनिंग की। तो अब ये है कि वापस जा रहे हैं। बस 7 अप की वीडियो में थोड़ा वो हो गया कि स्पेस मैंने मैनेज नहीं किया, तो ये है कि वो स्पेस फुल हो गया था, तो वो जैसे ही लोगों करीब आया तो वीडियो बंद हो गई थी। बाकी 6 डाउन से लेके 15 अप तक सारी वीडियोज़ बनाई हैं। तो आज लेबर डे स्पेशल व्लॉग था मेरा। तो ये कि तमाम मज़दूरों को सलाम है, जिस जिस फील्ड में, जिस जिस जगह पे वो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमाए। और हमें भी चाहिए हम भी लेबर के साथ अच्छे से पेश आएँ। तो अल्लाह तमाम मज़दूरों को जजा अता फरमाए, ख़ास तौर पे हमारे रेलवे एम्प्लॉज़ को भी, गैंगमैन वगैरह समेत। उनकी ड्यूटी तो खैर बेचारे उनकी ट्रैक पर होती है, मुश्किल ड्यूटी मानी जाती है एक। तो ये कि यही अल्लाह से दुआ है उस रेलवे के एम्प्लॉज़ समेत तमाम जो भी एम्प्लॉज़ जिस जिस महकमे में, जिस जिस जगह पे काम कर रहे हैं, अल्लाह सबके लिए आसानी फरमाए। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग्स में, नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।